मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं उम्मी उम्मी जो निकले हो मदामानी माय, अल्लाह ने रिशा फरमाया अन्नबी अल उम्मी, परवरदिगार ने फरमाया ये वो नबी है जेड़ा मां वाला नबी है, अर्द की दिया ला सारे नबी मामा वाले ने, एक यो भी नबी है जिदा बाप कोई नहीं, उसे ईसा दी भी मां है, अर्द की दिया ला सारे नबी मामा वाले ने, पर जद कमली वाले दीवारी आई अल्लाह ने फरमाया अल्लाह भी अल उम्मी, फरमाया ए मां वाला नबी है, अर्द की दिया ला सारे मामा वाले ने, फरमाया दुनिया वाले हो जिमें नबियां जो मुहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं, मामा भी जो आमिना वर्गी मां कोई, नबियां दा खातम और खातिम बना के भेजे। ख्याल आया कि यार मैं सारे नबियां दे जिक्र ते मिलाद सुना चलिया ते मेरे बाद नबी कोई नहीं ते मेरे जिक्र ते मेरे मिलाद कौन करेगा। अल्लाह ने फरमा सोने तू सारे नबियां दे जिक्र ते मिलाद सुना जा की होया जे तेरे बाद नबी कोई नहीं, सोने मैं तेन गुलाम इंजी अता कर देवगा अज गली गली तेरे मिलाद ना हो जा तो मैं मुहम्मद रब कौन आखेगा। असी बड़े खुश नसीबा सुनी कि साड़ी अल्लाह ने मिलाद मनाव की ड्यूटी लगाई। कुरान मजीद फरकाने हबीबी आयत मुबारक पढ़ी, इस आयत मुबारक विच रब ताला ने अपने महबूब का मिलाद बयान फरमाया, फरमाया अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल नबीजल उम्मी, लोग जड़े इत्तिबा करते हैं इस रसूल की, जड़ा रसूल भी है नबी भी है ते उम्मी भी है, अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, फरमाया ओ नबी एक जिदा तज़किरा तुसा इस तो कबल इंजील च भी पढ़िया ते तौरात च भी पढ़िया, यानी नबी पाक दे आमद तो पहले सरकार दा तज़किरा इंजील च भी है ते तौरात च भी है। साहित्य मुबारक का आगाज किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल नबी, वो लोग जड़े इत्तिबा करते हैं इस रसूल भी, जड़ा रसूल भी है नबी भी है ते उम्मी भी है, इत्तिबा किन कहते हैं उलमा ने फरमाया कि अगे टुरन वाला जिथे जिथे कदम रख के चुक लवे, पिछे आवन वाला उथे उथे कदम रखे, नु इत्तिबा कहते हैं। इत्तिबाए रसूल कितनी जरूरी है, कौन है दिवाली जब फरां दी चोटियां ते खलो के इलाने नबूवत कीता तो गुफार दे चौधरी मेरे नबी को लाए, कह लगे मुहम्मद असा लड़ाई झगड़ा कादा करना आजा रल मिल के कम चला लईए, कदे कदे तू साडे बुतां दी पूजा कर लिया कर, कदे कदे असी तेरे खुदा दी इबादत कर लवांगे। अल्लाह ने फरमा मबू तुसी फरमा दियो कि लकुम दीनकुम वली दीन, फरमा तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते ते साडा दीन साडे वास्ते, जो हुजूर दी अखियां च आंसू आए तो लोग के अर्थ की याद है मेरे अंग साक मेरे रिश्तेदार मेरे अजीजो अकरबा आए ने कि तेरा मेरा रिश्ता तोड़न आए ने, पर मैनु तेरी इज्जत जलाल की कसम है मौला जेड़ा तेरा नहीं ना वो मोहम्मद बुए ते बैठा मोहम्मद दा सगा चाचा ही होवे मेरा लगदा ही कुछ नहीं। अल्लाह फरमा सोने जो तू मेरे पीछे अपने छड़न लगे ना फिर मैनु भी तेरी वल्लाल ज़ुल्फां च खेडन वाले हामी दे कुंडलां दी कसम है, खलो के सारी रात कुरान पढ़ता रवे जेड़ा तेरा नहीं बनन लगा मैं भी कदों अपना बना लगा, हाँ मैं उन्होंने ही अपना बनावगा जेड़ा तेरी इत्तेबा करके तेरा रंग चढ़ा के आवेगा तेरा होके आवेगा। पढ़ा कुरान पहले इत्तेबा थे भाई भाई जनिया वाली वाले, रात तकरीबन पौना एक हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बुध वाला दिन मेरे वास्ते बड़ा तकलीफ दे हालत चाहता है कि मैं रात पाक पतन शरीफ सा, उस तो पिछली रात भी बड़ा रावलपिंडी सा, उस तो पिछली रात बड़ा तवील सफर किया, बुध वाला दिन चूंकि फैमिलीज दे मिलन दा होंदा मेरा तो कम अज कम 500 लोग सन मिलन वाले, तो मैं तकरीबन 3 बजे का बैठा 10:30 बजे उठाया, जुमे वाला दिन मर्दा का होंदा है बुध नूं फैमिलीज मिलन वास्ते आंदियां तो बेशुमार पूरे पाकिस्तान चो मेहमान आते हैं, वो इतने दूर दराज के सफर करके आते हैं तो मैं ही ना मिला या मैं ही ना होव तो वह सारे दे दिल टुटते हैं। पिछले 2 बुध मैं नहीं बैठ सकिया मुल्तान के सफर से सा तो अज ज़्यादा रश से फिर तो मैं इस वास्ते भी थोड़ा लेट हो गया, मगर मैं यकीन करो जिन्ना भी थकिया उन्हें ये थोड़ी सुबहान लगती जी मेरी थकावट उतार देती है। ये बेली माशाल्लाह सियालकोट मेरा ख्याल कम कर देना, इन्हों अरसा दराज गुर गया कई साल मेरा ख्याल 10-15 साल गुजर गए ने मेरे को बकायदा जुमा पढ़ते हैं, तो मैं इतने देख के उन्होंने हैरान होया तो उन्हें आखिया जी मेरा इलाका यही है
इन्हां ने आखना जी आसी साहब उत्थे ते नहीं सुभान अल्लाह करवांदे, उत्थे मेरे इलाके वाले तुहाडे कोल बोले ही नहीं। ठीक है, रोंद नहीं मारना भाई, अपना भी ते नाल दिंदा भी हाथ चुके नहीं, उची सुभान अल्लाह फरमानी है कि मदीने आबाद चली जावे। जोर कोई नहीं तुसा लगाया, जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ भी नहीं चुक रहे भाई, अपना अपना ते नाल दिंदा भी हाथ चुके, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले थोड़ा जा उच्चा बोलो भाई, महबूब सारे का साझा ही है, मैं नबी पाक की तारीफ करनी है, मैं दुआ करना रिजवी साहब उलमा सारे आमीन फरमान, मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए, इस साल अपनी अमीन अल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमदान शरीफ च, मैं रिजवी साहब तुसी सारे रल के मदीना तई आवाज आई है। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले, अज रात सवे ते खाब च कमली वाला आप ही आ जावे। ते तेरा की जाना जरा इस तो उच्चा बोले, जाग दे महफिल च सोने का दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जे, फिर हौला बोले, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाथ चुको, मैंने पता लगे मैं जूंदे जाग दे नबी पाक दे नौकरा च बैठा। गला खराब हो जाए सुबह, लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखी राती नबी पाक दी शाना बयान होंदिया, मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। परवरदिगार इरशाद फरमाया, कमली वाले ना मैं कमी वेखना, ना मैं चौधरी वेखना, ना मैं कसर ते महलात वेखना, ना मैं अमीर ते गरीब वेखना, ना मैं मुक्तदी ते इमाम वेखना, ना मैं आका ते गुलाम वेखना। फरमाया, ना मैं काला चिट्टा बगै गोरा वेखना, अर्द की दिया लगी वेखना। फरमाया, ना मैं गारे चिट्टे बगे वेखना, जे रब गोरे वेखदा बुला वर्गा पूरा पूरे अरब च कोई नहीं। 8 किलो सोने दा मालिक है मक्के दा चौधरी है, कुरैश दा सरकार नबी दा सका चाचा लगदा है। अल्लाह ने रिजा फरमाया, तब्बत यदा अभी लहबियो अतब। परवरदिगार ने फरमा, बोला बा तेरे हाथ टूट जान बर्बाद हो जाए, अद की दिया लगोराई बड़ाए। फरमाया, नु गोरे रंग ते मान है, तेनु यार दा रंग सोना लगदा है, अद की दिया ल फिर सोना कौन है। फरमाया, मक्के दे इक मोहल्ले जाति मारे, रंग दा भी गोरा है, जात दा भी चौधरी है। फरमाया, सोना ही नहीं लगदा, मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाति मारे, रंग दा भी काला है, जात दा भी गुलाम है। टुटी हुई जुत्ती पान वाला ओदा लिबास तार तार, हालत दिल फिगार, चेहरे ते गर्दो गवार, आबाद इहदे नाल ही प्यार, क्योंकि एदा ना पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। काला रंग ते हबश दे रहन वाला, वासी साहब की मौजू दे छड़िया जे, काला रंग ते हबश दे रहन वाला, कीता इश्क बिलाल ने दिल ला के, कलमा छड़ बिलाल नू कहन काफिर, पत्थर मारन तलियां विच किल ला के। कलमा छुटदा नहीं बिलाल, क्या तुसी वेख लो अपना टिल ला के, रब ने रंग बिलाल दा वंड दिता हरूर दे मथे ते तिल ला के। वाह वाह वाह, तेरे बाहू ने फरमा, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे को यसनो जाने हो, मुंह काला दिल अच्छा होवे ता दिल यार पछाने हो, ए दिल यार दे पीछे होवे मता यार भी किदे सयाने हो। छयालिम छोड़ मसीता नसे बाहू, जदो लगे दिल ठिकाने। गिरामी कदर हजरात, पता लगे ओ वेखदा यार दा रंग, ओ पावे काला चढ़ा लवे ते पावे घोड़ा चढ़ा लवे, ओ पावे माड़ा चढ़ा लवे ते पावे तगड़ा चढ़ा लवे, रब नो रंग सोना लगदा यार दा। इजाजत होवे ते पीरे बाहू दे कलाम चो इस आयत दी तफसीर करके सुनावा। तुसी नहीं बोले, नहीं तो सुना मैं देनी सी। क्यों भाई अंजमन वाले हो, कोई लंगर शंगर है इना लिखे कोई ना है, ते फिर क्यों नहीं बोलदे?
थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुबह अल्लाह कह जोगा हो जाता है। लंगरे हुसैनी। अच्छा जिन्हों लगता ना मैं भी हुसैनी हाँ, मेरी अम्मी भी हुसैनी है, मेरा अबू भी हुसैनी है, तो मेरा लंगर भी हुसैनी है, वो बोले सुबह अल्लाह। आ जरा स्टेज बनाई ना उच्चा बनाई दी वजह उदी के जो स्टेज पर बैठन उच्चे बैठन तो उच्ची सुबह अल्लाह फरमान। बोलो माशाल्लाह महबूब आखे सारे का सांझा, तुम भी बोलो सुबह अल्लाह। और रियाज मेरा ड्राइवर है ना, तो रात को मैंने कहता जो सोना तो पिछले सीट पर चलो, वो मैं पूछा क्यों, कहता जी फ्रंट की सवारी सौ जाए ना तो ड्राइवर को नींद आ जाती है, तो तुम फ्रंट दी सवारियां बोलो, तुम जाके बैठो मैं इन्होंने फिर जगाना है, तुम भी बोलो सुबह अल्लाह। हाथ चुको जो उदे जागते ना फिर गल करना उच्चा बोलो सुबह अल्लाह। अरफा दे सुल्तान ने फरमाया ना रब अरश गंगा तीरथ मूल न मिले मारे पेंडे बे हिसाबे जदा मुर्शिद मिलिया बाहू मेरे छुट गए ना रब अर्श मुअल्ला उते ते ना रब खाने काबे हो ना रब इलम किताबी लभिया ते ना रब विच मेहराबे हो भाई गंगा तीरथ भी ना मिलिया मारे पैंडे बे हिसाबे हो पर जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू मेरे छुट गए कुल अजाबे हो झंडिया वाली आन वाली रब उन्होंने मिलता जेडे तेरे मुस्तफा ते आ जाते। नौजवान मेरे कान च कह लगा हजरत जी आखिर ते हजरत दाइया कलबी वाला वाकया ते 10 मिनट दा रहना कोई इस्लाही गुफ्तगू लाजमी करे जे। मैं हमेशा अपनी तकरीर चंद मिनट इस्लाही गुफ्तगू जरूर करना इत्तेबा की है। हर नौजवान चाहता मैं गोरा हो जावा मैं चिट्टा हो जावा मैं सोना हो जावा मैं छड़े वाली की गली च गुजरा तो लोग कहना मुंडा बड़ा सोहना है। सोहना बनने वास्ते फिर अपने चेहरे से फेशियल भी करावेगा अपने चेहरे से पॉलिश करावेगा करीम लगावेगा मैं गोरा हो जावा मगर मिंबरे रसूल से बह के मिंबर वाले की कसम उठा के कहना तो अपने चेहरे से लखा रुपये लगा तेनों हो रे कोई ना वेखे अपने चेहरे ते मुहम्मद दा रंग चढ़ा तेन कोई ना वेखे मुहम्मद रब वेखे वेखे रब तेन जरूर वेखेगा बस तू रंग मुस्तफा दा चढ़ा ले। स्कूल दे पेपर होंदे ने ते को बच्चा नकल मारदा पकड़िया जावे ना ते टीचर चेक कर उस बच्चे दा पेपर खो के उपर क्रास लगा देता है उपर लिख देता बच्चा फेल हो गया क्यों ए नकल मारदा फड़िया गया। मालूम हो गया कि जेड़ा दुनिया के इम्तिहान च नकल मारदा फड़िया जावे वह फेल हो जाता है पर जेड़ा कबर के इम्तिहान च कमली वाले की नकल मारदा फड़िया जावे वह पास हो जाता है। जो तू चाहना कबर हशर च पास हो जाए तो नकल सोने की मार के जाए। मुफस्सिरीन फरमाते ने कि फिरौन के दरबार च एक मिरासी सी फिरौन के दरबार च एक मिरासी सी ते ओ फिरौन नूं हसान वास्ते ना हजरत मूसा दियां नकलां उतारदा सी। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा दी जुबान च लुकन सी ते मिरासी भी तोतला बोलदा है ते फिरौन हसदा है। हजरत मूसा असा पकड़ के चलदे ने ओ मिरासी भी गंडो टंगोरी पकड़ के ना ते ओ हजरत मूसा वांगू टुरदा है ते फिरौन हसदा है। अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया कि या अल्लाह जिस दिन फिरौन उतरिया कुलज़म च गर्क करे ना ये मिरासी नूं पहले मारी ये मेरियां नकलां उतार दे। फिरौन गर्क हो गया। अल्लाह दे नबी बड़े है बड़े खुश के या अल्लाह शुक्र है फिरौन तो जान छुट्टी मिरासी तो भी छुट्टी मगर आप एक दिन मिस्र की गली च जा रहे थे वो मिरासी सामने गाना गाता पे आवे आपनों ख्याल आया थे अर्ज की अल्लाह मैं ते आख्या सी कि फिरौन बाद च मारी मिरासी पहले मारी वो मर गया फिर बच गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा मार तो देवा
पर किवें मारा नकलां तेरियां करदा है। रिजवी साहब मूसा दी गुस्ताखी दी नीयत ना नकल मारे, रब डुबण नहीं देंदा। कमली वाले दी मोहब्बत च तू सोने दी नकल मारे, रब तेनू कदू दोज़ख च सड़ देवेगा? रब तेनू कदू दोज़ख च सड़ देवेगा? चाहती हो कि दुनिया कब्रो हशर दी, सानू अल्लाह कामयाबी अता करे ते कुलिया एक के अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल नबीयल उम्मी। रब्बे काबा दी कसम है, जेड़ा रस्ता खुदा तक जांदा जिना ओ मुहम्मद दी गली च गुजर के जांदा है, नहीं को पहुंच सकदा खुदा तक दर्ज मुस्तफा ते न जब तक आ जावे। इदे ते बहस करा मैनू बड़ा वक्त दरकार है, मगर चूंकि मैं इस आयत दे दो लफ्ज़ां दी गुफ्तगू करनी है। एक लफ्ज़ ते मैं कर ली, अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल, ओ जेड़े इत्तबा करदे ने नबी पाक दी। इत्तबा की है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने किसी बंदे दा नाम सी शेर खान, ओ उस बंदे कोल गया जड़ा जिस्म दे उते तस्वीरा बनादा ना नक्शो निगार, उन्हों कहन लगा मेरे जिस्म ते शेर दा निशान बना दे ताकि लोगों नूं पता लगे मैं शेर हां। उन्हें जदू सुई रखी ना उपर बाजू ते शेर बनावन वास्ते, तो सुई दी चुभन हुई ना, ते कहन लगा की बनावन लगा? कहन लगा मैं शेर दा चेहरा बनावन लगा। कहन लगा चेहरा रहन दे कुछ होर बना। उन्हें दोबारा सुई रखी ना ते फिर चुभन हुई, ते कहन लगा ए की बनावन लगा? उन्हें आख्या मैं शेर दी दुम बना लगा। कहन लगा दुम भी रहन दे कुछ होर बना। उन्हें फिर सुई रखी, फिर दर्द होया। कहन लगा हुण की बनावन लगा? कहन लगा मैं शेर दा पेट बनावन लगा। कहन लगा पेट भी रहन दे कुछ होर बना। उन्हें आख्या फिर हुण? उन्हें आख्या हुण मैं लत्तां बनावन लगा। कहन लगा लत्तां भी रहन दे कुछ होर बना। उन्हें मशीन उठा ली, तो उन्हें आख्या इंज दा शेर ते रब ने नहीं बनाया, मैं किवें बनावां? भाई जिदा ना चेहरा होवे, ना दुम होवे, ना लत्तां, ना पेट, कुछ भी ना होवे ते ओह शेर ते नहीं ना आउंदा। ते नमाज भी ना होवे, रोजा भी ना होवे, हज भी ना होवे, जकात भी ना होवे, ते आखे मैं मुसलमान हां। तो मालूम होया कि सब कुछ होना जरूरी है, नमाज भी होवे, रोजा भी होवे, हज ज़कात होवे, फिर मुसलमान है। इन्हों इत्तबाए रसूल किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल, वो लोग जड़े इत्तबा करते ने इस रसूल दी। मौला अली एक दिन अपने अहबाब नाल जा रहे थे, रस्ते च एक दरख्त आया। मौला अली ने ए इस तरह करके अपने अमामा शरीफ ते हाथ रखे ते दरख्त दी नीचे नीमो के गुजरे। अहबाब ने अर्ज की, हुजूर दरख्त दी शाखां भी बड़िया बुलंद ने ते मौला अली दा कद मुबारक भी दरमियाना सी। अर्ज की, हुजूर सर नूं शाखां नहीं लगदियां, नीवे होके क्यों गुजरे? मौला अली ने फरमाया एक दिन दरख्त भी छोटा सी ते मैं भी छोटा सा, इत्थों हुजूर नाल गुजरिया सा ते शाखां सर नूं लगदियां सन। नबी पाक ने अपनी दस्तारे मुबारक ते हाथ रखे ते नीवा होके गुजरे सन। किसे पुछे हुजूर उदू दरख्त नीवा सी, हुण तां उच्चा है, हुण क्यों नहीं होके गुजर दियो? ते सुनो मौला अली दा जवाब, आपने फरमाया दरख्त दी ऊंचाई वेखा के यार दी अदावां वेखा। किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, ये फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं। इन्हों के अंदर इत्तबाए रसूल। हजरत उस्मान गनी एक दिन पत्थर ते बैठ के वजू कर रहे थे, मुस्कुरा रहे। दोस्त अर्ज की, हसन वाली गल भी कोई नहीं, थे हसदे क्यों? फरमाया सच्ची पूछो तो पता मैनू भी कोई नहीं। अर्ज की, हुजूर कोई ते वजह होगी? पर मैं इको ही वजह, इत्थे बैठ के एक दिन नबी पाक वजू कर दे मुस्कुरा रहे सन, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। वो हसदे भी उत्थे ने जिथे यार ने हसया, उत्थे बैठ के रोंदे ने जिथे कमली वाले बैठ के रोए। उन्हें दरख्तों दी छावां थले जाके आराम कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा असर दी नमाज पढ़ के मदीनों निकलना, ते आओ मदीने दे बाहर इक किक्कर दा दरख्त, कंडियां वाला दरख्त, बबूल दा दरख्त, उन्हों जाके रोज पानी दे के आना। किसे एक दिन खिलार के अर्ज की, हुजूर ये पानी देना है ते मदीने खजूरां दे दरख्त ने, इन्हां नूं दे लो। ओ किक्कर दे बूटे कंडियां वाले नूं जाके पानी दे के आउंदे हो? फरमाया मैं बूटे नूं पानी नहीं देने जांदा। ओ दरख्त दे साए थल्ले इक दिन हुजूर नूं आराम करदिआं देखिआ सी, मैं यार दीआं यादां नूं पानी देण जांदा हां। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक दिन रस्ते च जा रहे थे, रस्ते चो हट गए पत्थर, उस पत्थर को गए तो उन्हें जोर नाल अपना पांव मार के फिर टुर पे। लोग अर्ज की, हजूर पत्थर रस्ते च आ जाए तो लोग हटा के गुजर देने, तुसी रस्ता छड़ के पत्थर को जाके उन्हें पैर मार के आयो। फिर मैं एक दिन हजूर पे गुजरते सन, हजूर का पांव इस पत्थर नु लगा सी, मैं यार दी अदा पूरी कर गया सा, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। इत्तबाए रसूल, उन्हें हर रंग यार दा चढ़ा लिया, हुण लै चल मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते।
थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। गोडे छड़ दो, किधर नहीं जाते दौड़ के, हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह, होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आया है कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लैंदा रहंदा पर इश्क नबी दा रंग मुहम्मद ए चढ़िया कदे नहीं लैंदा, इश्क नबी दा, इश्क नबी दा रंग मुहम्मद ए चढ़िया कदे नहीं लैंदा। नौजवानों फतह मक्का दा दियाड़ा, मेरे नबी काबे दा तवा पे कर देना, दस हजार साहबा नबी करी उन्हें तवा पे काबा करी जा रही। एक काफिरा दा नौजवान है जिदा नाम है फजल बिन उमर, उन्हें ख्याल आया जे रश बढ़ाए हो बे ना ते मैं मुहम्मद नु कतल कर देवा, टुरिया टुरिया खंजर लेके तवाफ करदा मेरे नबी दे करीब आया। जदू खंजर दवार करन लगा नबी करीम दी निगाह दे चेहरे ते पै गई, नौजवानो खंजर गिर गया जिस्म कप कपा रहा। नबी करीम ने फरमाया फजल किधर आया है, कहन लगा मैं ते अल्लाह लभ्या करदा सा शेरे रबानी मस्जिद च आउण वाले। नबी करीम ने अपना हाथ मुबारक दे सीने ते रखिया, वो कहंदा कुफर निकल गया ईमान पर गया, कदम चुम के कहन लगा सोनिया कलमा पढ़ा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, फजाला कलमा पढ़ के काबे चो निकले आ। उलमा फरमाते ने काबे दे सामने गली है, उस गली च औरत दा मकान है, फजाला उस औरत दा दीवाना है, सारा दिन उन्हें वेखन वास्ते गली चक्कर लगा। अज कलमा पढ़ के निकलिया, सामने दी औरत आ रही, फजाला निगाह झुका के गुजर गया। औरत कहन लगी वे फजाला अगे वेखन तरसदा रहा है, अज वेखदा ही नहीं, निगाह झुका के फरमान लगे बीबी जा जा तेनू की वेखा मैं मुहम्मद वेखाया। क्या बात, पता लग गया इश्के नबी दा रंग मुहम्मद चढ़िया कदे नहीं लैंदा। जिन्ना ते रंग मुहम्मद दा चढ़ जाए फिर वो कदू किसे गैर वल वेखदे ने। ग्रामी कदर हजरा, जिन्ना ते रंग मुस्तफा दा चढ़ जाए ग्रामी कदर। अल्लाह ने फरमा अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल नबी अल उम्मी, ओ लोग जेड़े इत्तेबा करदे ने इस रसूल दी, जेड़ा रसूल भी है नबी भी है ते उम्मी भी है। उम्मी किन्नू कहंदे ने, उम्मीद अमूमी तौर पर मन ही किया जाता है कि वह जो स्कूल ना जाए, जो कॉलेज ना पढ़े, यूनिवर्सिटी ना पढ़े, उन्हें उम्मीद कहते हैं। बाद लोगों ने तर्जमा किया अनपढ़, माज़ल्ला अनपढ़ नहीं बेपढ़े, क्योंकि नबी पढ़न नहीं आते, नबी पढ़ावन आते। वायुअलिमुहमुल किताब वल हिकमा, नबी पढ़ावन वास्ते आंदे ने। वैसे तो अमूमी तौर पर उम्मीद लफ़ज़ देवे कि नबी पाक किसी इंसान को नहीं पढ़े। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, वो रहमान जिन्हें यार नु कुरान पढ़ाया, कदू पढ़ाया, फरमाया अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इंसान बाद च बनाया, मुहम्मद नु कुरान पहले पढ़ाया। आओ मैं तुहानू अज लफ़ज़ उम्मी विचों नबी पाक दा मिला सुनावां। मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने दा बड़ा मिठा जिहा तर्जमा फरमा, फरमाते ने उम्मी उम्मी चो निकलिया। उम दा मानिए मां, जिवें मक्कतुल मुकरमा नूं उम्मुल कुरा कहा जांदा है कि सारे शहरां दी मां, सारी जमीन दा वस्त, जिवें इंसान दे जिस्म दे दरमियान च नाफ है ना, इस तरह मक्का सारी जमीन दी नाफ है। इस जमीन दे दरमियान च काबा जमीन दा दरमियान च नाफ दी तरह उम्मुल कुरा किया जाता मक्कतुल मुकरमा नूं, उम्मुल किताब किया जाता सूरतुल फातिहा नूं। अल्लाह ने फरमाया अन नबी अल उम्मी, ये ओ नबी है जड़ा उम्मी नबी है। मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे
आप फरमाते ने उम्मी उम्मी जो निकले मदा मानी माए अल्लाह ने रिशा फरमाया अल नबी अल उम्मी परवरदिगार ने फरमाया ओ नबी है जड़ा मां वाला नबी है अर्द की दिया ला सारे नबी मामा वाले ने एक यो भी नबी है जिदा बाप कोई नहीं उस ईसा दी भी मां है अर्द की दिया ला सारे नबी मामा वाले ने पर जद कमली वाले दीवारी आई अल्लाह ने फरमाया अल नबी अल उम्मी फरमाया ए मां वाला नबी है अर्द की दिया ला सारे मामा वाले ने फरमाया दुनिया वाले हो जिमें नबियां जो मुहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं मामा भी तो आमिना वर्गी मां कोई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हसिया अजमत और शान मुस्तफा खान धाने मुस्तफा खान धाने मुस्तफा ताना लिया चूरा शरीफ अपनी मां का भी अदब कर देने मुहम्मद अरबी की मां का भी अदब कर देने अज मेरा दिल करदा हुण मैं लफ़्ज़े उम्मीद तहत उस मां का जिक्र करा जिहड़ी मां ने कायनात दियां सारियां मावां दी लाज रख लई है जिस मां ने सानू मिलाद वाला रसूल अता कीता आओ सैयदा आमिना दी अज़मत अर्ज़ करां नबी अल उम्मी फरमाया मां वाला नबी जिवें नबियां च मुस्तफा वर्गा नबी कोई नहीं मावां विच आमिना वर्गी मां कोई नहीं हजरत आमिना मां ते तुहाडी ते मेरी नहीं मां साडियां मावां दे कदमां थले जन्नत ए ते जड़ी कमली वाले दी मां होवे किताबा च लिखिया कि हजरत आमिना दा बचपन ते मदीना ते आबादी वधदी है मदीना ते आबाद च इक औरत आंदी है उस औरत दा रंग काला ते अखियां नीलियां ते नजूमी औरत ते काहना औरत ते लोगां दे बच्चियां दी हाथ दीयां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है औरत मुतलक आंदा है कि जदों पैदा हुई ते बाप ने नु वेख्या नहीं अपने गुलाम नु आख्या कि नु जिंदा ही दफन करके आ गुलाम कहंदा जदों मैं दफन करने वास्ते कब्र खोदी ते बच्ची नु विच रखन लगा ते हाथ फे गैबी तो आवाज आई ना मारी वो कहंदा मैं इधर देखा कोई इंसान नजरी ना आया अपना वहम समझ के दोबारा दफन करन लगा ते फिर आवाज आई ना मारी फिर इर्द गिर्द देखा कोई इंसान नजरी ना आया अपना वहम समझ के तीसरी मरतबा दफन करने लगा ते आवाज आई ना मारी नहीं पाली जाती तो रख जा सी पाल लवांगे उस गुलाम नु ख्याल आया बच्ची को नसीबा वाली है सीरत हलवी च आज तक वह बच्ची नो घर लै गया ते नो पाल के जवान किया ये बच्ची जवान हो के बहुत बड़ी आलिमा काहिना बहुत बड़ी नजूमी औरत बनी ये हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस दी है कदे कदे मदीना शरीफ आंदी है लोग अपने बच्चे लैके कितारा च खड़े हो जाते नौजवान सैयद आया मीना दा बचपन आप अपनी सहेलियां दे नाल खेल रही अचानक शोर मच गया सौदा बिनते जारा आई लोग अपने बच्चे लेके गिटारा च खड़े हो गए सैयद आया मीना भी खड़िया हो गई जिस वेले सैयद आया मीना दी वारी आई हाथ दियां लकीरां वेख के कहन लगी है बच्ची कौन है लोगों ने आख्या वाह बिनब दे मुनाफ दी बेटी आमिना है कहन लगी हादी हिन नदीरा ओ तुली दन नदीरा कहन लगी मेरा इलम कहता है ये बच्ची या आप नबी बनेगी या किसे नबी दी माँ बनेगी या आप नबी बनेगी या किसे नबी दी माँ बनेगी कहन लगी इन्हें किसे नबी दी माँ बनना है सैयद आमिना दे बचपन च लोग कहंदे सन आमिना किसे नबी दी माँ बनेगी नौजवानों हजरत सैयदा आमिना मदीने च पैदा हुई नबी पाक दे अबू जान मक्के च पैदा हो गई इधर सैयदा आमिना जवान हो गई तो उधर हजूर दे अबू जी जवान हो गए नबी पाक दे दादा जी फरमाते ने एक रात में हतीम काबा च लिटिया अचानक मेरे कन्ना च आवाज आई रात नु सुते हां कोई बाबा मेरे ख्वाब च आया ते कहन लगा जदों सुबह उठे ना अपने बेटे अब्दुल्ला नु लेके मदीने आ जा तो थे वहा भी नब दे मुनाफ दी बेटी आमिना ही उदे नाल अपने पुत्र दा रिश्ता तय करके आ आप फरमाते ने मैं पूछा बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम है सुभान अल्लाह
नबी पाक दे दादा जी सुबह उठे अपने पुत्र नु नाल लिया उमरा रुअसा कुरैश दे सरदार नाल ले ते आप मक्के आ गए। मक्के तो मदीना तैयबा पहुंचे ना दरवाजा खड़काया नबी पाक दे नाना जी हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ दा हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ ने पूछा तुसी कौन हो फरमाया काबे दे मतवली ते अरब दे सरदार आए हो बड़ी आओ भगत की थी ते कमरे च बिठाया ना ते जब तू कठे मक्की ते मदनी बैठे ते नबी पाक ते नाना जी फरमाते ने हुजूर किधर आयो आपने इशारा करके फरमाया कि आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला है पूरे अरब जेड़ा हसीन नौजवान कोई नहीं साडे खानदान नालों वड्डा पूरे अरब च किसे दा खानदान नहीं असी कुरैशी ते हाशमियां फरमाया मेरे पुत्र दी सूरत वर्गी किसे दी सूरत नहीं ते इदी सीरत वर्गी किसे दी सीरत नहीं आपने फरमाया मैं अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी आमिना दा रिश्ता लेना आया सुनया तेरी बेटी आमिना जवान है नबी पाक दे नाना जी ने फरमाया हुजूर आमिना आज भी तुहाडी कल भी तुहाडी है नबी पाक दे दादा जी ने फरमाया बेटियां दे रिश्ते लोग इंज नहीं करदे लोग नौजवान दा किरदार पुछदे ने खानदान पुछदे ने कारोबार पुछदे ने फरमाया तू पुछया भी कुछ नहीं बेटी दा रिश्ता भी पिया दे ना आए नबी पाक दे नाना जी ने अर्ज कीती लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवां जेड़ा बाबा ख्वाब विच तुहानू मिलिया है अठ दिहाड़े गुजरे ओ मैनू ही मिलिया ਜੰਡਿਆ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮੀ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਾਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅਬੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਜੱਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ अच्छा जेड़ी बारात दा दूल्हा अब्दुल्ला ते दुल्हन आमिना होवे बराती ते फरिश्ते ही बन के आयो होणगे निकाह पड़िया गया ना ते हजरत आमिना फरमादियां तीन दिन बाद असी मदीना तैयबा तो मक्के आ गए ते मैं दुल्हन बन के मक्के आई आप इरशाद फरमा दिया कि मैं जो हजरत अब्दुल्ला नू वेख्या ते मैं वेख के हैरान रह गई कि या अल्लाह अरब दा इतना हसीन नौजवान रब ने मेरे नसीबा च रखिया सी ते हजरत अब्दुल्ला फरमा दे ने मैं आमिना नू देखिया ते मैं हैरान रह गया कि इफ्फत ते तहारत ते पकीदगी दी ताजदार आमिना अल्लाह ने मेरे हिस्से वास्ते रखी सी नौजवानों सैयदा आमिना ते हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों मक्कतुल मुकरमा इकट्ठे होए ना ते आसमां दीआं हूरां ने भी उस वेले मुबारकां दित्तीआं होणगीआं नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान फरमा दिया तीन महीने निकाह नु गुजरे एक दिन हजूर दे दादा जी घर आए थे हजरत अब्दुल्ला नु बिठा के फरमान लगे बेटा असी तिजारत दा कारोबार करने आ मेरा तिजारत दा काफिला मुल्क शाम वल जा रहे थे मेरा दिल करदा इस बार काफिला तुसी लेके जाओ हजरत अब्दुल्ला उस वेले तैयार हो गए थे सैयदा आमिना रोन लग पईया अब्दुल्ला फरमान लगे आमिना एक महीना मुल्के शाम जांदिया लगदा है एक औंदिया लगदा है ते एक महीना मैं मुल्के शाम ठहरांगा तीन महीने बाद मुलाकात हो जाएगी सैयदा आमिना ने रोंदिया हजरत अब्दुल्ला नु विदया कीता मेरे मिल्ला दे नौजवान हजरत अब्दुल्ला टुरे टुरे जदों मदीना तैयबा चो काफिले दा गुजर होया ते ख्याल आया इत्थे मेरे ससुराल भी ने मेरे नानके भी ने ते नवी नवी मेरी शादी हुई ते मैं चंद दिन अपने ससुराल रुक जावा आप रुक गए मक्के आप दी पैगाम भेजा कि हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए पैगाम जदों मक्के पहुंचे आते मक्के च कोहराम मच गया हुण सारे सोच रहे कि आमिना नूं खबर कौन देवे नबी पाक दे दादा जान रोंदे घर आए ते आके सी कि आमिना दे सिर ते हाथ रख के फरमान लगे बेटी आमिना सबर करी आ फरमा दिया मेरा कलेजा मुंह नूं आ रहा ते अर्ज कर दिया बाबा जान मैं कादा सबर करा आपने रोके फरमाया बेटी जी दियां उड़ीकां करनियां ने आउणा कोई नहीं दिलदार दिला दे पतनू चुके मुहारा
उजड़ी बस्ती नजरिया मेरे कंड दिती जदिया आराओ सैयद आया मिना दिन भी रोंदिया राओ तो भी रोंदिया ने आवाजा मार दिया अब्दुल्ला किधरों आ जाओ अजे ते मैं रज के वेखे आई नहीं नौजवान दिल तेरा ते गुजरते जा रहे अद्धी रात वेले सैयद आया मिना फरमा दिया रोंद अख लग गई एक सोना जा बाबा ख्वाब दे अंदर आया कह लगा बेटिया मिना रोई ना तेनों मुबारक देने आया फरमा दिया बाबा मेरा सही टुर गया मैनू कौ दिया मुबारक देना है फरमाया तू मुहम्मद की माँ बनने वाली है सैयद आया मिना फरमा दिया बाबा टुर पे आओ मैं दमल पढ़ के पुछनी है बाबा तुसी कौन हो फरमाया बेटी पहचानिया नहीं अर्द की थी वे बाबा मैं नहीं पहचानिया फरमाया बेटी दिया नल वेख लै लोकी मैनू आदम आख दे आ फरमा दिया बाबा जी चले गए मैं सवेरे उठी ते मैं अजीब मंजर पे वेखा आ फरमा दिया मैं वेखिया कि मैं सवेरे उठ के अपने वेड़े च फेरनिया ते जेड़ा पत्थर मेरे कदमा ते थले आंदा मैनू चुभदा ही नहीं फरमा दिया मैं कदम रखनिया ते पत्थर पिघल के मुंह में भर जाते कदम उठा के फरमा दिया अज पत्थर नु की हो गया अज पत्थर क्यों पे पिघल दे ते एक पत्थर बोल के कह लगा आमिना हैरान ना हो अजे ते असी पे पिघल ने मुहम्मद आ लैंदे बड़िया बड़िया पिघल जाना फिर बड़े बड़े पिघल गए गल सुना दे अबू रिवाज ही मुक गया है एक ही बंदा जिन्हों जी कहते तो पता ही है कई बेली जिया जी कही जाते मैं ये नहीं कहता बाला की मां जी ना आखो पर अपनी अम्मी नु भी जी आख्या करो या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नु जी कह के बुलावे करे हाथ चुके जेड़ा इस तू उच्चा बोले पांच वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे या अल्लाह जेड़ा इस तू उच्चा बोले अज सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ करा के जावे एक दिन अबू जाल ने काबे दे दरवाजे दे सामने एक कुआं खोदिया कि मुहम्मद जदों तहज्जुद दी नमाज पढ़न आवणगे विच डिगण वजे मैं पत्थर मार के कमी मुका देवां पर वो शम्मा के आबू जे जिस रोशन खुदा करे नबी पाक जदों कुएं दे करीब आए ना ते जिब्रील ने नबी पाक दा हाथ पकड़ करके अर्ज की थी यार सुन अल्लाह जरा ए मेरे नबी उधरों के गुजर गए अठ दिन नबी पाक गुजरदे रहे अठवें दिन अबू जाल खूच डिग पिया सारी बरादरी कठी हो गई अबू जाल नूं कढ़न वास्ते हाथ नीवा करदे ने जिन्ना हाथ नीवा करदे ने उन्ना खून नीवा हो जांदा एक ने पुकार के आख्या लंबा जा रसा लिया उन्ना लंबा जा रसा अंदर सटिया ना वो जिन्ना रसा अंदर करदे ने कुआं भी उन्ना ही गहरा होंदा जांदा एक चौधरी बोल के कह लगा रसा होर लंबा लियाओ अबू जाल कह लगा रसा ना लियाओ जे मैनूं कढ़ना है ते जाओ मुहम्मद नूं बुला के लियाओ सारी बरादरी मेरे आका को लाई इमाम जलालुद्दीन सय्यूती अनीसुल जलीस च फरमांदे ने कमली वाले नु आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह जरा आया जे तेरी रहमत तो सदके मेरे नबी नाल टुर पे कुएं दे किनारे आके ए इंज हाथ नीवा करके अबू जाल नु चुक के मेरे नबी बाहर निकालिया इमाम जलालुद्दीन सय्यूती फरमांदे ने सोने दे गुलामा नाद कर जेड़ा नबी अबू जाल वर्गे दुश्मन नु खूच नहीं रहन दंदा गुलामा नु दोज़ख च कदों रहन दे लगा जे ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਦਖ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਯਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰਮਾਦੀਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ किसे पत्थर को गुजर नहीं आते पत्थरों चु आवाज आदियां ने अस्सलाम अलैकी या उम्मा रसूलुल्लाह ए रसूलुल्लाह दी अम्मी बुआ नु सलाम होवे फरमादियां मैं गली च गुजर रही हां काबे दा तवाफ करन जा रही हां फरमादियां सामने ओ जानवर आंदा इजड़े आ रिया हो मेरे वल मैं के जानवर रास्ता बना दिता जेड़ा जानवर रास्ता नहीं बनांदा दूसरे जानवर थक्का मार के कहंदे ने हट जा इनू राह दे दे मुहम्मद दी मां पियो सलामा पे कर देन फरमा दिया पत्थर मेरे कदमा थले पे पिघल देन
आप फरमादियां वक्त गुजरता जा रहा पर रबी अल अव्वल रात आ गई। फरमादियां अद्धी रात आ वेला मैनू इंज लग्या जिवें बच्चे दे आउण दा वेला आ गया है। रो के कहन लगियां या अल्लाह दुनिया दी आम औरत भी होवे बच्चे दी वलादत ले खिदमत ली कोई आ जांदा है। अर्ज करदियां ने या अल्लाह मेरी खिदमत ली कोई नहीं। फरमादियां मेरे कमरे दी दीवार फट गई चार चेलां बेकदियां औरतां अंदर आ गईयां ते पुछनियां नी कौन सारे तो वडेरी कह लगिया मैं ना रोई ना मैं आदम दी बीवी हवा आई हाँ। दूसरी कह लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा वा। तीसरी कह लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया वा। चौथी कह लगी मैं ईसा दी मां मरियम वा। मैं पुछनिया नी किधर आईया वो कह लगिया मुकदरा ते नाद करनिया वा मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईया। नारा तकबीर नारा असी मुहम्मद दियां दाइयां बन के आए हां। ओ जेड़ी मां दी खिदमत लई नबियां दियां मावां आ जा। मेरी मिल्लत दे नौजवानो सैयद आमिना फरमादी ओ चारे औरतां मेरे इर्द गिर्द बैठ गईयां ते आप फरमादियां खारज मिन्नी नूर मैं नूर नूं जन्म दित्ता। इत्थे सुभान अल्लाह कहणी सी रब्बे काबा दी कसम है जेड़ा नबी नूं नूर ना मन्ने ओहदे चेहरे ते नूर आ सकदा ही नहीं। फरमा दिए खारज मिन्नी सारे बोलो खारज मिन्नी नूर। आप फरमा दिए फिर मैं नूर नूं जन्म दिता नूर नूं जन्म दिता। आप फरमा दिए फिर मैं वेख्या दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा हो गया उन आ गया सोना सवेरा हो गया। अपने अपने हाथ उठा के जिदे जिदे खोले आया है सारे मिलके पढ़िए आ गया सोना सवेरा। जड़िया वाली वाले एक मिनट भाई तुहानू जिनी गिनती आउंदी अलहमदुलिल्लाह इन्हें मैनू शेर आउंदे ने पर मैं शेर इस तो थोड़े पढ़े ने कि मेरा दिल सी मैं कुरान ज्यादा पढ़ा वो मैं पढ़ के तुहानू सुनाया हुण मैं शेर पढ़न लगा आ गया सोना सवेरा हो गया। एक बार अख बंद करके अपने अंदर झाती मारू जे अंदर कुफर दा अंधेरा नहीं ईमान दा सवेरा है ते मैनू सच्ची दसो आ जिहड़ा तुहाडे ते मेरे अंदर सवेरा है एक कमली वाले दा नहीं ते होर किधर ये सवेरा कमली वाले दा ही है ना। हुण जिन्नू लगदा मेरे अंदर सवेरा सोने दा ओह बंदा हाथ उठा नीचे कर लो मैनू लगदा तुसीं अजे पढ़न दे मूड च नहीं। मैं एक गल ना प्रीत दी सुणावां बंदे भी तुसा मेरे दम पर चौधरी टाइप बिठा दिते ने बंदे नूं कहंदे भी डर जे लगदा मियां शेरे रब्बानी हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि शेरे रब्बानी मस्जिद है ना आप कोल मुरीद आया ते बस थोड़ा बोल लेंदे आप कोल मुरीद आया ते कहन लगा हजूर ये लोग नाम ना चौधरी लिखते ने ते मैं भी लिखा मैनू दसो चौधरी का मतलब की होंदा। आपने फरमा पुत्र दो चौधरी होंदे ने हजूर केड़े फरमा जिहदे कोल मुरब्बी होण चौधरी होंदा है माल डंगर वल होवे डेरेदारी होवे बैंक बैलेंस गड्डी छड्डी वल होवे ना चौधरी होंदा है। हजूर ते दूसरा चौधरी केड़ा होंदा है फरमा पुत्र मुरब्बियां वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती है मुहम्मद का कमी बन के मर जाए खबर च भी चौधर जुड़ती रहेगी। हुण जिन्नू लगदा ना मैं सोने दा कमी बन के आया ओ बंदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। मैं पढ़न लगा आ गया सोना सवेरा भाई सारे बोलो आ गया सोना सवेरा हाथ खड़े करो जिंदा दिल करदा मैं कयामत नूं उठा ते मेरा नात नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखा होवे। हुण इत्थे याद रखे सारे मिलके पढ़िए आ गया सोना सवेरा हो गया ए सवेरा हो गया आ
गया सोना सवेरा हो गया। नबी पाक दी अम्मी फरमा दिया ने आओ फरमा दिया मैं बैठी मक्के दे अंदर आओ मैनू मुल्के शाह दे महल नजरी आ गए क्योंकि आ गया सोना सवेरा। अज मना शिकाने नबी वाले जे कोई सुबह पूछे राती मिलाद क्यों कराया ए लाइटिंग क्यों कराई आसी साहब नो क्यों बुलाया शाजी नो क्यों बुलाया इन्हें लोगों नो क्यों बुलाया अखराजात क्यों कीते कोई जवाब नहीं देना पसे न कहना आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया पैया गया सोना सवेरा हो गया। हुन मैं तुहाडी आवाज सुनी उच्चा बोलो आ अजे भी सारे नहीं बोले जी दा खाइए जेड़ा कमाई ते पलदा चुप रवे जिन्हों लगदा मेरा लंगर मदीने आउंदा बोले आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया पैया गया सोना सवेरा। जे मैं हाथ चुकावां ते आवां ते साईं मैनूं जाच दसी है पढ़ावा ते आवा ते फिर भी साइया जात दसी है पर मैं लो आखिर ते हुन हजरत दाइया कलबी वाले वाक्य दी फरमाइश है मैं पांच मिनट जो सुना के अच्छा जी वो भी सुना देने को पक्खा भी लवा देना शाह जी मेरे वास्ते पक्खे सारे बेलियां ते लाए ने जिन्ना दा जोर लगदा उन्होंने ला के कोई नहीं देता है सुभान अल्लाह। चलो हुन बस करो हुन तकरीर खत्म हो गई जी जो होना सी हो गया आ गया सोना सवेरा हो गया। अमाशा फरमा दिया मेरी सुई गवाच गई ते मैं सुई पे ढूंढा ते हजूर आ गए आ फरमा दे ने ए हजूर थोड़ा जा मुस्कुराए ते दंद चो नूर दी लाट निकली ते मैं सुई ढूंढ ली पता लग गया आ गया सोना सवेरा हो गया। हजरत दाइया कलबी वाला वाकया मरूफ वाकया बस ये भी हजूर दे आमद दा चानन है ना। नबी पाक नहीं आए तो लोग अपनी खूबसूरत बेटियों नु जिंदा ही दफन करते। दाइया कलबी आए थे अर्ज की सोनिया मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां जिंदा दफन करके आया। दियां वाले हो इन दियां नु प्यों ते बड़े मान होते बड़ी तो गुजरी ना तुसा देखिया होगा कि बेटी जवान हो या छोटी हो जो कपड़े की जरूरत पवे ना तो ईद वीर को कपड़े नहीं मंगती अबू को मंगती क्योंकि दिया मान होता मेरे अबू ने मैनू इनकार नहीं कर भाई छिड़क मार दे ना दे वडेरे जब बाप तड़प के कहता क्यों मेरी बेटी झिड़का मार दो की खादी है प्यो अजे जोड़ता है। उस वे दिया दिल च कहदियां रब्बा मेरा बाप जोड़ता ही रहे दाहिया कल भी अर्ज की यार सुन ला तो रब ने मैं माफ नहीं करना मैं 70 बच्चियां जिंदा दफर की अपने कबीले दिया मेरे आका ने सुनिया तो रोन लग पे जबरील आके अर्ज की सोनिया कह दियो पिछले गुनाहों की माफी है आईंदा ना करी माफी मिल गई तो दाहिया फिर रो रहे हजूर ने फरमा हूं क्यों रोना है अर्ज की सैयद अल अरबी वाला अजम एक गुनाह याद है तो रब ने वो नहीं माफ करना मेरे करीम आका ने फरमा वो भी सुना अर्ज की यार रसूल अल्लाह मेरे घर बच्ची बच्चे की विलादत का वेला सी ते मैं दूर दराज किसी मुल्क च कई साल की तिजारत ली जा रहा बीवी नू कह के गया जे पुत्र होया ते पाल लवी ते बेटी हुई ते जिंदा ही दफन करा देवी यार रसूल अल्लाह मैं चला गया ते कई साल के बाद आके मैं घर का दरवाजा खटकाया ते एक छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया मैनू पुछ दी तू कौन है मैं पूछा तू कौन उस बेटी ने अपना नाम नहीं दसिया कह लगी मैं अपने अबू की बेटी उन खौरे बाप दिया किनिया कुड़ी का जिन्हें बाप अजे वेखी है कह लगी मैं इस घर के मालिक की बेटी अर्ज की सोने मैं ख्याल आया तो मैं बच्ची आखिया इस घर का मालिक तो मैं इस घर का मालिक अर्ज
की थी सोने बच्ची ने मेरिया लत्ता नु जफा मार ले आओ रो के कह लगी बाबा कित टुर गया सैं मैं तेरिया राव वेखती रही हूं मैं तेनू बाजाऊ मार दी रही हूं अर्द की सोने बच्ची नु धक्का मारे आओ अपनी बीवी नु पुछे कौन ओदी मां ने कदम फड़ ले रोके कह लगी दया मरीना तेरी बेटी है अपनी मां दी जान अर्द की सोने बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलती है इनी प्यारी बच्ची मेरे खून खौला मारे आओ दिल की ता बेटी नु सीने न लगा लवाओ फिर ख्याल आया लोगों ने आखना साड़ियां दफन करदा रहा है अपनी नु सीने न लगा के रखे आई अपनी बीवी नु आके नु तैयार कर दफन करे आवा कोई मेनू बेटी दा बाप ना आखे अर्द की दी सुने मैं बेटी नु लेके जंगल वल जा रहा ओ बेटी राह च मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहन लगी बाबा कित टुर गया मैं ते तेरिया राव वेखती रही हूं मैं तेनू वाजा मार दी रही हूं बाबा आ गया कपड़े लेके नहीं आया आ जा मैनू जोड़े लै दे बाबा आ जा मैनू खिलौने लै दे आ जा नान के चलने अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोल दई नहीं सोने जंगल आया बच्ची नु धुपे बिठाओ के ओरी कबर खोद रहे ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी आई मैनू पानी पिला दी है नाले कहती है बाबा छवे आ जाओ बड़े साल का थके आया है अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोल दई नहीं औलादा वाल अद्धी रात वेले अज भी बाप करे आवे पुत्र सो जाते अज भी दियां प्यों दियां रावां उड़ीक दियां अर्द की सोने कबर तैयार हो बच्ची करी बई मानू कबर च धक्का मारे बच्ची दियां चीखा निकल गई मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरीना मैं ते तेरियां रावां वेखती रही हूं ए बाबा मरीना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी बाबा मरीना खिलौने नहीं वगदी बाबा मरीना मैं जोड़े भी नहीं वगदी बाबा मरीना मैं नौन के भी नहीं जाती अर्ज की सोने दर्शन आया मिट्टी पांदा रहा ओ बच्ची बाबा बाबा कर दी रही अर्ज की सोने अज भी रात न लेट ना हो कन्ना चोदिया बाबा बाबा दिया आवाजा आने अर्ज की सोने बच्ची ने निके निके हाथ जोड़े कह लगी बाबा ए भी नहीं कहती मारी ना तेरी बेटिया मार जाओ पर जा दीवार दस जाओ मेरा कसूर की अर्ध की सोने तरसन आया मैं मिट्टी पांदा रोने आओ समा नल वेखे आओ कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हों बेटियां पैदा ही क्यों करना कदों तक मरदिया रवानगी आओ कह लगी रब्बा मैं सुनया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां सीने नाल लाना है कह लगी वे आने वाले आ जरा जल्दी आ जाओ धियां मर अर्ध की सोने बची दफने हो गई मेरे आका नारे सरकार दी दाड़ी मुबारक तारे हो गई सहाबा थड़ मार के रो रहे किसी ने आख्या दाइया चुप कर जाओ क्यों प्या नबी नु रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जड़ी मुहम्मदियां उड़ी कहीं कर दी टुर गई कल भी दूसरी बारी गल सुनाई ते मेरे आका फरमाया एक बारी फिर सुना तीन बारी गल सुन के हजूर ने फरमा सुनो लोगो जिन्हों रब तीन बेटियां दे फरमा जिन्हों रब दो बेटियां दे इमामे तिरमिज़ी ने फरमा मेरे नबी फरमा जिन्हों रब दो बहना दे यानी जिदे ते बेटियां ते बहना दी जिम्मेदारी आ जाए सैयद आलम ने फरमाया मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन नाल प्यार करके ओदी शादी करे उन अपने घर भेजे
फरमाया क़यामत नूं जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी है। जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली, धीआं नूं भी इज्जतां मेरियां भर गए कासे खाली। आ गया सोना सवेरा हो गया, हजूर आए तो सारे नूं अपने अपने हकूक ते अपने अपने फराइज मिल गए। ग्रामी कदर शाह जी कह रहे ने आखिर ते सैयद कायनात दी बारगाह चो अरमगन नियाज़िक शेर पढ़दा होना मैं पढ़दे मां जो सुभान अल्लाह फरमाओ सारे। साईं सरदार ने आख्या दिले मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दा सिंधार फातिमा और सरदार जो सरदार जो मंगे नहीं सरदार बेटी है।